सो गाइज, अभी मैंने अपना ना एक व्लॉग खत्म किया है और अभी मैं एक व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको एक शॉर्ट्स, अगर आपने मेरा देखा होगा ना तो उसमें देखा होगा कि मैंने आपको शॉर्ट्स में बोला था, जब मैं बांद्रा की स्ट्रीट्स पे घूम रही थी व्लॉग शूट करने के लिए, तब मैंने बोला था कि गाइज ये वाली जो स्ट्रीट है ये क्लोथिंग सेक्शन है और यहाँ से मैंने कुछ एक शर्ट्स लिया, वो आप गेस करके बताओ। तो उन शर्ट में से ये एक शर्ट है, एक ये थी और एक वो एक और है, वो नियॉन ग्रीन टाइप में, जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपको ज़ारा के ड्यूप्स और दूसरे ब्रांड्स के भी ड्यूप्स मिल जाते हैं, तो ये उनमें से एक शर्ट है। तो मैंने यहाँ पे एक व्लॉग जस्ट अभी ख़त्म किया है, जिसमें भी मैंने मॉल से जब मैं आई थी कुछ एक चीज़ें दिखाई, और अभी मैं यहाँ से ही सेकेंड व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। और तो मुझे लगा कि मैं, चलो उस दिन मैंने आपको शॉर्ट्स में बोला था तो मैं आज आपको दिखा भी देती हूँ कि वो शर्ट है। जल्दी से रेडी होते हैं, एक फटाफट से एक लुक क्रिएट करते हैं और चलते हैं, ठीक है? लेट्स गो। आई एम वेयरिंग दिस शर्ट और मैंने सोचा था मैं डेनिम पहनूंगी, बट मैं डेनिम नहीं पहनने वाली हूँ, मैं ये शॉर्ट्स ही रखूंगी और जो मैंने आपको जस्ट पहले वाले व्लॉग में दिखाया कैप, वो कैप पहनूंगी और आप बताना है मेरा लुक कैसा लगा पूरा, ठीक है? और आपको भी व्लॉग देखना ही है तो गाइस प्लीज स्किप मत करना, व्लॉग को एंड तक देखना एंड यू विल एंजॉय अ लॉट, ट्रस्ट मी। तो अभी मैं आ गई हूँ मरीना ग्रीक। ड्राइवर मेरे साथ आए थे ना, वो पाकिस्तान के थे और उन्होंने सारा रास्ता मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से समझा भी दिया और उन्होंने बोला भी आप कितनी देर से यहाँ वेट कर रहे थे। मैंने 10 मिनट्स बोला जबकि मुझे हाफ एन आवर हो गया था। उन्होंने बोला कभी कभी यहाँ पे ना हाफ एन आवर से भी ज़्यादा लोग वेट करते हैं, तो मैंने बोला अच्छा ऐसा क्यों? फिर उन्होंने बताया मुझे करीम करके ऐप है, वो डाउनलोड करके रखना पड़ेगा आपको और जब भी जैसे भी आना हो तब आप उसको ऐप में से करो बुक। मेरे को समझ आया अच्छा ये रीज़न था इतनी देर क्यों वेट करना पड़ा। एंड बाकी तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ का पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है। सोचता हर कोई है लेकिन बहुत कम लगता है ऐसा कि सच भी हो पाएगा जो सोचा है ना। तो ये पीछे का है, तो ये पीछे की साइड है पूरा, ये जो है ये मरीना मॉल है ये जो आपको पीछे दिख रहा है, और ये बहुत बड़ा है कि मैं मतलब फोन में ऐसे नहीं दिखा सकती आपको। ओ हो, जिप लाइन, वाओ दिस इज समथिंग डिफरेंट आई हैव सीन हियर। सो यहाँ पे भी मैंने ना जिप लाइन जाते हुए देखा और मैंने कहा कौन जा रहा है यार ऐसे, मतलब कोई बच्चा है, कोई लड़का है, लड़की है शायद, और वहाँ से पूरा ऐसे करके उस साइड से पूरा सनसेट हो रहा और उस साइड से वो आके दूसरी साइड गया मॉल के उस साइड, काफ़ी अच्छा लगा देख के। एंड मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे किस टाइप के ना छोटे छोटे क्रूज होते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जिन्हें देख के। सो अभी अभी मैंने ऐसा रील का ट्रांजिशन किया है ना जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे और लोग इतना हंस रहे हैं यहाँ पे, बट स्टिल आई डोंट केयर, आई एम ऑन अ प्लेटफॉर्म वेयर आई हैव टू एक्ट। जिप लाइनिंग चल रही है, मज़ा आ रहा है और पूछते हैं यहाँ पे है ना फिर कि जो क्रूज जो भी जा रहे हैं यहाँ पे क्या सीन है, कैसे जाना है, क्या करना है, उसके बाद आपको बताते हैं। एंड सी द ब्यूटिफुल सनसेट गाइस, कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे ना दोस्तों के साथ आप आते हो ना तभी मजा आता है क्योंकि फोटो लेने के लिए कोई नहीं होता ना आपकी, तो जब कोई अच्छा इंसान हो आपकी फ़ोटो लेने के लिए ना तभी मज़ा आता है, कैसे जाना है, क्या करना है ना, कोई समझाने के लिए हो, बताने के लिए हो, चलो समझ तो आ जाती है हमें चीज़, हमारे हमें इस चीज़ें खुद से, लेकिन जब आपकी कोई फ़ोटो क्लिक करे आपके साथ इंजॉय करे, नॉट जस्ट टू क्लिक पिक्चर्स बट ऑल्सो टू इन्जॉय विद यू। यहाँ पर जो है ना एक ब्लू वाटर आइलैंड करके भी है जिसके बारे में मुझे बोला था किसी ने और मैंने देखा भी है उसके बारे में, लेकिन वो यहाँ से ना थोड़ा सा दूर है। ओके, सो जस्ट द डिफरेंस इज कि यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे ना बोलूँगी नहीं, करके बताऊँगी आपको जब करूँगी ना, जब भी वो टाइम आएगा, मुझे नहीं पता यहाँ पे वो टाइम आएगा या नहीं, अभी आएगा टाइम मिलता है नहीं मिलता है, बट डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी और वो चीज़ मैं करके बताऊँगी दिखाऊँगी।
मुझे लेकिन ये तो नहीं करना है। और चीज़ें बहुत सारी है एक्सप्लोर करने के लिए, जगह बहुत सारी है, लेकिन आपके पास वक्त भी उतना ही होना चाहिए अगर आप कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हो। और दोस्त यार होते हैं ना सच में यार, उस चीज़ का फिर अलग ही मज़ा होता है कि आप साथ घूम रहे हो, साथ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है वो बोल रहे हो। इस तरीके से यार रील्स सुनाई थी ना, मुझे पता है देख के हज़ार लोग हंस रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, लेकिन मुझे पता है ना उसके एट द एंड ऑफ द डे क्या वर्थ होनी है, क्या होना है उसका। थोड़े से पंगा तो रहता है यार लाइफ में, मेरे को नहीं प्रेफर करना है सोलो ट्रैवल करना। बहुत लोग सोलो यार, कितना अच्छा व्यू आ रहा है देखो ये सनसेट का ना। सो समटाइम्स आई थिंक इट गेट्स रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट अ पर्सन वांट्स टू से। सो आई वेंट टू अ फीमेल, शी सेड आई एम नॉट द वन हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज शी वॉज सिटिंग एट द काउंटर, दैट्स वाई आई आस्क हर। बट देन शी सेड देयर इज दिस पर्सन, ही इज़ गोइंग टू गाइड यू। सो आई वेंट टू हिम अगेन एंड द गाय सेड फ्रॉम हेयर यू हैव टू टेक द टिकट एंड दिस इज़ द प्लेस, वट एवर द नेम ऑफ द प्लेस इज, ही सेड दिस इज़ द प्लेस, फ्रॉम हेयर यू हैव टू ट्रैवल टू दिस प्लेस। सो आई वॉज लाइक ओके, सो ही इज़ एन इंडियन, सो इट वॉज अ लिटिल ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। बिकॉज यहाँ पर ना ऐसा होता है कि कोई सी भी लैंग्वेज बोले ना चाहे लोग, लेकिन उनका जो कुछ 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 लोग ऐसे होते हैं ना जिनका एक्सेंट बहुत अलग होता है कि आप समझ ही नहीं पाते। कई बार ये प्रॉब्लम टैक्सीज में भी आती है और कई बार लोकल आप कहीं पे भी घूम रहे हो इसमें भी आ जाती है। और कल तो पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब दुबई मॉल से अपने घर जा रही थी, आई वॉज स्टैंडिंग देयर फॉर अ टैक्सी राइट, एंड देन एक टैक्सी वाला आया एंड आई आस्क्ड हिम कि आई वॉन्ट टू गो टू दिस प्लेस, इज दिस अ टैक्सी। सो वहाँ पे ना एक भैया आया मतलब टैक्सी वाला, सो मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू गो टू दिस प्लेस, ठीक है। और उसको बहुत अच्छे से पता था कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। ही वॉज लाइक मैडम 150 dirhams, आई वॉज लाइक वॉट, मैं एक्सक्यूज मी आई एम एन इंडियन नॉट टूडे ब्रो। ओके सो शी कॉल्ड मी टू स्टैंड इन क्यू, अदरवाइज पीपल विल कम एंड माई टर्न विल नेवर कम, सो दिस वॉज अ रीज़न। ओके सो वेर आई वॉज सेइंग कि देन आई सेड भाया एक्सक्यूज मी आई एम एन इंडियन, यू कॉन्ट फूल मी ईजीली, ओके सो एटलीस्ट नॉट टूडे। इट वॉज लाइक नो इट्स एक्सपेंसिव, आई वॉज लाइक he was like no the price is this, I'm not saying lie, this is the fair price I'm telling you. So I was like are you serious, it's too expensive. He's like no if you want to go then it's fine. I was like please go, I do not mind if you are going. He was like go bhai, ja bhai tu ja, aur mil jayegi jitne mein tu matlab mere ko taxi bol raha hai na utne mein I'm going to get my dinner for today. So I was like chalo theek hai, it's totally fine. लेट मी टेल यू दिस थिंग, जो टैक्सी बोला जाता है यहाँ से जाने के लिए JBR तक, फिर वहाँ से ना बीच वगैरह है जहाँ पे आप जाके ना इजीली घूम सकते हो। और क्या, हाँ मैं ये बोल रही थी कि जो प्राइस है इस टिकट का वो 8 dirham है सिर्फ, और पर्सनल भी आप लेके जा सकते हो, मतलब पूरा वो आपको एक घंटा घुमाती है। बट इसमें डिफरेंस ये है कि मैंने इसलिए ऐसा कुछ नहीं लिया क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स के साथ आते हो ना तो ही आपको फ़ायदा होता है, अगर आप दोस्त यार वगैरह के साथ आ रहे हो ना तो अच्छा, तो फिर मतलब भी बनता है कि 300 dirham आप स्पेंड करो इन चीज़ों में। बट मेरे को तो अकेले ही जाना है तो, और बीच वगैरह भी देखना है, तो वही ऑलमोस्ट वही बात हो जाएगी, 16 dirham के अराउंड कुछ लगेगा मेरा आना और जाना मिला के, जाने के 8 dirham आने के 8 dirham, और वहाँ पर अगर जो खर्चा है वो अलग, अगर आपको कुछ खाना है पीना है घूमना है किसी एक्टिविटी में जाना है तो वो अलग, बाकी मैं जितना दिखा सकती हूँ बता सकती हूँ आपको बताने की कोशिश करूँगी। बट मैंने उतना इन्वेस्ट नहीं किया, 300 dirham भाई किसको बोलते हैं, मैं कहा क्यों मैं अकेले जाऊँ और प्राइवेट जाके मज़े करूँ आराम से, मेरे साथ ऐसा कोई मेरा दोस्त यार भी नहीं है या फैमिली भी नहीं है कि ऐसे जाके मैं आराम से घूमूँ फिरूँ, तो 8 dirham इज़ टोटली फाइन। एंड कल तो भाई उसको मैंने टैक्सी वाले को एकदम सही से बोल दिया, मतलब यहाँ हम दुनिया को बनाते हैं तुम हमें बना रहे हो, क्या समझ के क्या रखा हो भाई, किसको बोलते हैं 150 dirham भाई, तुम 8 किलोमीटर जा रहे हो ना, नॉट मोर देन
हार्डली भी मान लो 30 दिरहम 40 दिरहम बस, 40 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 30 दिरहम हार्डली। और ट्रैफिक है अगर हद से ज़्यादा, अगर ट्रैफिक में हो तुम फंसे हुए हो भाई तो 40 दिरहम बस, नॉट मोर देन दैट। दिमाग से थोड़ा सा ना हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, जो हम ज़्यादा कई बार होता है ना कि और नहीं चुप रह जाते हैं लोग ज़्यादा है तो कम बोलते हैं, शर्म आ जाती है हमें। अभी मेरे साथ भी कई पॉइंट पे ऐसा हो जाता है कि ना कहना ना नहीं आता है, नहीं कह पाते हम ना लोगों को इजीली, बट कहना पड़ेगा एंड दिस इज़ द फैक्ट। अदरवाइज कम बोलने वाले लोगों को ना लोग दिल्ली में कहते हैं ना हल्के में ले रहे हो क्या, वही बात हो जाती है हल्के में ले लेते हैं लोग। तो अब टैक्सी आने वाली है और मैं जाने वाली हूँ आगे का, आपको आगे बता। सो दिस इज हाउ आवर वाटर टैक्सी यू कैन से लुक्स लाइक, एंड दिस इज प्राइवेट। तो ये है हमारी बोट के अंदर से नज़ारे, और ये चल पड़ी हमारी सवारी गाइस। कितने अच्छे से सजी हुई है, कितने अच्छे से पिंक पिंक डेकोरेट हो रखा है, एंड आई थिंक उसमें कुछ लोग हैं जिनका शायद कुछ है, अब पता नहीं क्या है। तो यहाँ से ना अभी हम उतर चुके हैं और जा रहे हैं यहाँ से, और भैया ने ना मेरे से पूछा अभी कि आप क्या एक ब्लॉगर हो, तो मैंने बोला हाँ, तो वो देख रहे थे ना, मैंने तब से उनकी तरफ कैमरा घुमाया हुआ था, और वो शायद सर्च करने वाला है क्योंकि उन्होंने ना नाम भी पूछा कि मेरे यूट्यूब का नाम क्या है, तो मैंने बोला निहारिका ब्लॉग्स। देखा भैया हंस रहे हैं, और उन्होंने पूछा कि आपके ब्लॉग का नाम क्या, तो मैंने उन्हें वैसे बोल दिया निहारिका ब्लॉग्स, अब पता नहीं उन्हें याद रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि वो देख रहे थे इतने ध्यान से क्या कैप्चर कर रही है, तो उन्होंने मतलब देखा बहुत ध्यान दिया। आप वीडियो बना रहे थे क्या, मैंने बोला हाँ मैं वीडियो बना रही थी। क्या नाम है आपके चैनल का, मैंने निहारिका ब्लॉग्स, तो बोले अच्छा कहाँ से हो आप, मैं कहा मुंबई से, मतलब दिल्ली से ऑब्वियसली, लेकिन इंडिया ही बोल दो यहाँ पे वही बहुत बड़ी बात है ना। तो और वो भैया भी पाकिस्तान से ही थे, उनकी टोन से समझ आ गया, अब तो डिफ्रेंशिएट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ये टैक्सी टैक्सी नहीं थी भाई, ये वाटर टैक्सी जो थी ना ये अपने को उल्लू बनाने के लिए थी, क्योंकि ये जस्ट जैसे हमारी जेट्टी है वैसे ही है, जैसे वो इस तरफ से उस तरफ लेके आती है वो ही काम इसने भी किया। अभी यहाँ से हमें वॉकिंग डिस्टेंस जाना है बीच के लिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो साइड था जहाँ से मैं यहाँ पे आई, और इतनी ज़्यादा स्लो चल रही थी ना भाई, इससे ज़्यादा तेज़ हमारी जेट्टी चलती है, वो ले लो ठीक है। और यहाँ से ऐसे करके उस साइड जाना है, और वहाँ पे उन्होंने बोला फिर आपको बीच इजीली मिल जाएगा, तो देखते हैं अभी कैसे कैसे करके जाते हैं बीच के पास। और भाई प्लीज़ हमारी जेट्टी ले जाओ, वो इससे ज़्यादा तेज़ चलती है, तो इसमें तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। एंड सी यहाँ पे किड सेक्शन भी है बच्चों के लिए खेलने के लिए, तो यहाँ पे जितनी भी मम्मास हैं ये अपने बच्चों को लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। एंड सी कितना वाइड स्पेस दे रखा है इन्होंने, सिर्फ यहाँ पे ही नहीं रोड्स पे भी ऐसे ही है, स्पेसेस बहुत बड़े दे रखे हैं। ओके तो मुझे यहाँ टर्न लेना है, और ये देख रहे हो आप ये ऊपर इस पर जाना है यहाँ से, यहाँ से जाना है मुझे भाई, बहुत भारी पड़ रही है, अब आए हैं तो जाना तो पड़ेगा। अब इंडियंस का कहना होता है ना, पैसा लगाया है तो वसूल तो करना पड़ेगा।